हे फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुबोध रावत। साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं यहां पे एक नई जोड़ी की, एक म्यूजिकल जोड़ी की। साथियों, ये वो जोड़ी है जिसने आज की डेट में पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि तहलका सा मचाया हुआ है। ये जहां भी जाते हैं वहां पे धमाल मचा देते हैं। पब्लिक इन दोनों को सुनने के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार रहती है। वो इनको सुनने के लिए महंगे से महंगे टिकट्स खरीदने को भी तैयार रहती है। इस जोड़ी का नाम है अरुदीप, यानी कि अरुणिता और पवनदीप की मीठी सी जोड़ी। फ्रेंड्स, इन दोनों ने अपनी कमाल की सिंगिंग से आज की डेट में इंडिया की म्यूजिक इंडस्ट्री में एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है। अब कहीं भी कोई भी रियलिटी शोज होंगे आने वाले टाइम पे या जो हो रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे इन दोनों का नाम जरूर लिया जाएगा। और वो जो भी परफॉर्मेंसेस वहाँ पे होंगी उन रियलिटी शोज में, कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन दोनों की परफॉर्मेंसेस से उनका कंपैरिजन जरूर होगा। साथ ही यहाँ पे मैं बता दूँ कि मैं यहाँ पे इन दोनों की इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे बात नहीं करूँगा, क्योंकि उस पर मैंने पहले ही अपना एक वीडियो बनाया हुआ है अपना, दोनों पे, पवनदीप पे भी और अरुणिता पे भी। यहाँ पे इस वीडियो में मेरा फोकस केवल और केवल इनकी डुएट पार्टनरशिप पे रहेगा। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा कि हमारी इंडस्ट्री में काफ़ी डुएट्स जोड़ियों में काफ़ी बड़े बड़े नाम हुए हैं, बड़े नामी ग्रामी नाम हुए हैं। इनमें 70s और 80s में जो बड़े नाम आते थे उनमें लता जी का नाम आता था, लता जी और किशोरदा का नाम आता था, लता जी और रफ़ी साहब का नाम आता था। इसमें आशा जी किशोरदा का भी नाम आता था। और फिर उसके बाद जो नया दौर आया, उस दौर में 90s का जो दौर आया, उस दौर में कुमार शानू, अलका याग्निक जी का नाम आया, और अलका याग्निक, उदित नारायण जी का नाम आया। और इन्होंने भी मतलब काफ़ी लंबे समय तक रूल किया इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री में, इंडिया की बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 10 ईयर से ज़्यादा तक इन्होंने रूल किया। फिर उसके बाद एक ट्रांजिशनल फेज आया, और उस ट्रांजिशनल फेज में और भी सिंगर्स थे, उनमें सोनू निगम थे, उनमें सुनिधि चौहान थी, उनमें श्रेया घोषाल थी। और ये ट्रांजिशनल फेज का मतलब ये है कि वो 90s के लेट 90s में वो आना शुरू हुआ उन्होंने, और फिर वो 2000 के बियॉन्ड भी हो गए, वो आज भी गा रहे हैं इनफैक्ट। लेकिन वो जो मैजिकल डुएट्स पार्टनरशिप होती है वो हमको दिखी नहीं। मतलब इंडिविजुअली मैं बोलूँ कि वो बहुत फिनोमिनल सिंगर्स हैं, तो इसमें कोई डाउट्स नहीं है, वो बहुत ज़बरदस्त सिंगर्स हैं इंडिविजुअल पे। और डुएट्स भी उन्होंने गाए हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने डुएट्स नहीं गाए हैं, उन्होंने डुएट्स भी बहुत सारे गाए हैं, बहुत अच्छे अच्छे मतलब हिट्स डुएट्स गाए हैं। लेकिन एक जैसे कहते हैं ना कि जोड़ी बनी, आपके नाम पे आ जाए, आप बोलें यार एक हिट जोड़ी का नाम बताओ, आप इमीडिएटली बोल दोगे लता जी किशोरदा, लता जी रफ़ी साहब, आशा भोसले किशोर कुमार, अब ये एकदम से मुंह पे आएगा आपके। कुमार शानू अलका याग्निक आपके एकदम जुबान पे आ जाएगा, ये नाम उदित नारायण अलका याग्निक ये आपकी जुबान पे आएगा। लेकिन उसके बाद आप बोलेंगे श्रेया घोषाल सोनू निगम, गाए होंगे इन्होंने, गाए हैं, लेकिन आपकी जुबान पे नहीं आएगा ये कभी भी। और फिर उसके बाद फिर नया दौर शुरू हुआ, उस दौर में आ गए हमारे अरिजीत साहब, अरिजीत सिंह जी आ गए उस दौर में, हमारे फिनोमिनल सिंगर है। मैं तो मतलब मेरे तो मतलब मैंने हमेशा बोला कि वो मेरे फेवरेट सिंगर है आज की डेट में, मतलब वो मेरे फेवरेट सिंगर हैं और उनके साथ भी बहुत सारी फीमेल सिंगर्स गा रही हैं, लेकिन वो जोड़ी नहीं बन पा रही है। हमें जो दिखना चाहिए वो जोड़ी बन नहीं पा रही है, लेकिन ये जोड़ी अब पवनदीप और अरुणिता की ये अब आ गई है सामने, मार्केट में आ गई है। साथियों, कहने का मतलब यह है साथियों कि एक बहुत बड़ा वैक्यूम था इंडस्ट्री में काफ़ी समय से, पिछले 10-11 साल से, एक डुएट्स पार्टनरशिप को लेकर के, और जो एक ही समय में आए और जिनकी फ्रिक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा मैच करे और जो काफ़ी लंबे समय तक चले, तो ये मुझे लगता है कि ये अरुणिता और पवनदीप की, अरुदीप की जो जोड़ी है ये उस वैक्यूम को फिल कर सकती है, मुझे ऐसा लगता है। तो साथियों, हमारे सामने एक रेडीमेड जोड़ी आ गई है जो एक ही समय में पैदा हुई है, दोनों की फ्रिक्वेंसी भी पूरी मैच करती है, दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इन दोनों ने, आपने देखा होगा कि इंडियन आइडल 12 के स्टेज में एक से एक जबरदस्त हिट सॉन्ग्स गाए थे, डुएट्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद भी साथ ही उन्होंने काफ़ी एल्बम्स में भी गा चुके हैं, ये काफ़ी हिट सॉन्ग्स गा चुके हैं, जैसे उसमें तेरे बगैर सॉन्ग आया, मंजूर दिल सॉन्ग आया, फुर्सत सॉन्ग आया, तो वो भी काफ़ी सारे हिट सॉन्ग दे चुके हैं। उसके बाद भी ये जोड़ी इस समय दुनिया में धमाल मचा रही है साथियों, लोग इनको सुनने के लिए क्रेजी हो रहे हैं इस समय। लाइव शोज में मैं कह सकता हूँ कि ये आज की डेट के सबसे बड़े क्राउड पुलर भी हैं। ये कुछ भी गा देते हैं वो हिट हो जाता है साथियों। ये जब गाते हैं तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं इनकी मैजिकल परफॉर्मेंसेस से। कई बार आपने देखा होगा साथियों कि जब पवनदीप गाते हैं तो अरुणिता उसमें खोस ही जाती है, और जब अरुणिता गाती है तो पवनदीप उसमें डूब से जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे को जेल करते हैं। इनफैक्ट इन दोनों की केमिस्ट्री मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बेमिसाल है। ये केमिस्ट्री कभी लवली केमिस्ट्री हो जाती है।
कभी एक क्यूट केमिस्ट्री हो जाती है। कभी ये डिफाइनिंग केमिस्ट्री हो जाती है। कभी ये रोमांटिक केमिस्ट्री हो जाती है। कभी ये मैजिकल केमिस्ट्री हो जाती है। और अब तो साथी मतलब ये एक्टिंग भी बहुत जबरदस्त करने लगे हैं। आपने देखा होगा इनके एल्बम्स जो आए, एल्बम्स में जो सॉन्ग्स आए हैं, तो जबरदस्त एक्टिंग भी कर रहे हैं साथ में। तो मैं कहता हूँ साथी, ये एक और एक दो नहीं है, ये एक और एक 11 है, ये बहुत स्ट्रांगली 11 है। यहाँ पे मैं ये जोड़ दूँ साथियों कि मैं ये जरूर मानता हूँ कि सोनी टीवी में जब इंडियन आइडल का जो शो हुआ था 12 का सीजन, तो डेफिनेटली उन्होंने टीआरपी के लिए इन दोनों को प्रमोट किया था, इनकी जोड़ी बनाई थी। लेकिन साथ में ये भी मानता हूँ कि अगर सोनी टीवी ऐसा नहीं भी करता तब भी ये जोड़ी बहुत ज़्यादा हिट होती। इनका हर सॉन्ग ऐसा लगता है कि जैसे ये इन दोनों के लिए ही बना हुआ है। इन दोनों में मेलोडीज जो है वो कूट कूट के भरी हुई है साथियों। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट साथियों ये है कि आज की डेट में इंडिया में लाइव शोज में कोई भी डुएट्स पार्टनर इतने ज़्यादा हिट नहीं हुए जितने ज़्यादा ये हिट हो रहे हैं। मतलब ये इंडियन आइडल स्टेज से निकलते ही ये मतलब आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 35 से 40 प्रोग्राम्स कर चुके हैं साथ में, इंटरनेशनल और इंडिया दोनों में मिला करके। और ये अभी मेरे ख्याल से 5 या 6 महीने भी नहीं हुए इनको बाहर निकले हुए, तो ये मतलब एक फिनोमिनल अचीवमेंट है। मुझे लगता है कि ये आने वाले टाइम पे एक बहुत बड़ा नया आयाम सेट करेगी इंडियन म्यूजिकल इंडस्ट्री में। साथियों किसी भी जोड़ी के हिट होने के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जोड़ी एक ही समय में ऑलमोस्ट एक टाइम पे आए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे लता जी थी, आशा भोसले, किशोरदा, रफ़ी साहब, ये सब एक टाइम के सिंगर्स थे, और ऐसे ही कुमार शानू, अलका याग्निक, उदित नारायण, ये भी एक ही समय के सिंगर हैं सारे के सारे। तो आज अरुणीता और पवनदीप भी एक ही टाइम पे इंडस्ट्री में आए हैं। साथियों ये जोड़ी मुझे लगता है ना सिर्फ हिट होगी, ये अगले एक दशक तक, एक डेकेड तक, 10 सालों तक ये इंडिया की सबसे बड़ी म्यूजिकल हिट जोड़ी बनने वाली है। कई बार साथियों आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं तो वो प्रोडक्ट उस समय लॉन्च हो जाता है, अच्छा लॉन्च हो जाता है और थोड़ा आगे तक भी जाता है, लेकिन वो प्रोडक्ट सर्वाइव नहीं कर सकता है अगर उस प्रोडक्ट की फाउंडेशन स्ट्रांग ना हो, उसमें सब्सटेंस ना हो, उसमें मटेरियल ना हो। ये जोड़ी जो है पवनदीप और अरुणीता की, अरुदीप की जो जोड़ी है साथियों, इसकी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसमें सब्सटेंस भी है और इसमें मटेरियल भी है। मुझे लगता है साथियों कि आज ये दूसरे सिंगर्स के सॉन्ग्स गाते हैं, बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स गाते हैं, और आने वाले टाइम पे लोग इनके सॉन्ग्स गाएंगे। मैं अपनी तरफ से इन दोनों को बेस्ट विशेस देता हूँ।
ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड टू बोथ ऑफ देम। आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये जोड़ी कैसी लगती है, रुदीप की जोड़ी कैसी लगती है आपको, इनके गाने आपको कैसे लगते हैं, आप ये मुझे कमेंट करके बताएं। मैं जल्दी मिलता हूँ आपको अपने नए वीडियो में। साथियों, मैं एक नया वीडियो लेके आने वाला हूँ जल्दी, जिसमें मैं एक नए सिंगर की बात करूँगा, एक अच्छे सिंगर की बात करूँगा इनफैक्ट, और उसके बाद भी और भी सिंगर्स की बात करूँगा मैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट एज ऑलवेज। आप सबको मेरा गुड बाय। जय हिंद साथियों।